अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के तत्वावधान में उभरता भारत नई आशाएं विषयक संगोष्ठी का आयोजन गोरखनाथ स्थित महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुषमा पांडे, कॉलेज के प्रिंसिपल मेजर पाटेश्वरी सिंह, BN वर्मा, अमृत राज वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने उभरता भारत नई आशाएं विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर गोरखपुर से बात करते हुए प्रोफेसर सुषमा पांडे और मेजर पाटेश्वरी सिंह ने कहा, छात्र शक्ति भारत की शान, शिक्षा परिषद की गरिमा है। आज नहीं अब आने पाए उनका नहीं हो स्थान, छात्र शक्ति भारत की शान, छात्र शक्ति भारत की शान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उभरता भारत नई आशाएं इस विषय पर एक छात्र संगोष्ठी या छात्र पंचायत है, जिसका ये कार्यक्रम MP पॉलिटेक्निक गोरखनाथ के जो निकट है उसमें ये आयोजित हो रहा है। और इसमें इस परिसर के विद्यार्थी हैं और हम लोग मिल करके भारत किस प्रकार से, भारत का स्वतंत्रता के पश्चात कैसे परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में होता जा रहा है और जो आज के युवा हैं वो किस प्रकार की अपेक्षाएं रखे हुए हैं, उभरते हुए भारत को किस प्रकार का देखना चाहते हैं। ये है कि जैसे देश आज आप देख रहे हैं, आज निरंतर आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से भारत को देख रहे हैं कि जो जिस भारत को कभी एक अपेक्षा के रूप में देखना पड़ता था विश्व में कि हमको अमेरिका से समर्थन चाहिए, रूस से समर्थन चाहिए, बड़ी शक्तिशाली देशों से समर्थन चाहिए, आज जब हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद जी से जब एक लड़की साइन कराने के लिए जाती है तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी देश को लेकर तुम्हारी क्या अपेक्षा है, तो वो बोलती है कि मेरी देश को लेकर ये अपेक्षा है कि आई वॉन्ट टू बी चाइल्ड ऑफ ए डेवलप्ड कंट्री, नॉट इन ए डेवलपिंग कंट्री। एक छोटी सी बच्ची ये भाव रखती है कि अपने देश को इतना ऊंचा देखना चाहती है। उस संदर्भ में भारत ने कैसे कैसे कदम, आज आप परिस्थितियां देखिए, आज हम जो निर्णय ले रहे हैं उसमें विश्व के बड़े बड़े देश भी हमारे समर्थन में खड़े, ये बदलता हुआ भारत की तस्वीर है, वो बहुत आशा भरी निगाह और एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत को देख रहे हैं, बड़े बड़े जगह पर भारत को बैठाया जा रहा है, तो एक भारत की साख विश्व स्तर पर भी बढ़ी है और आंतरिक जो समस्याएं थी उसमें भी भारत ने बहुत हद तक विजय प्राप्त कर ली, बहुत सशक्त मतलब इस समय भारत अपने आपको रख पाया है। उसका कारण कहीं ना कहीं युवा भी है, जो एक मुझे आज ये महसूस होता है कि जो एक क्रांति के समय में युवा में जो एक जोश था, जो हम लोग 1947 की क्रांति में देखा करते थे, जब हम सुना करते थे कि बच्चे अपने घरों से निकल गए और देश के बारे में उन्होंने सब सोचा, आज जब मैंने ये पुलवामा की हत्या जो हुई हमारे सैनिकों की, उसके बाद जिस तरीके से युवा सड़कों पर आए और गाँव के दूर दराज के युवा सड़कों पर आए और सारे मुद्दों को भूल गए, अपनी सारी आवश्यकताओं को भूल गए और जब वो ये कहने लगे कि हमको अगर आज सरकार ये कह दे कि आप चले जाइए सीमा पर लड़ने के लिए, मैं आपसे कसम खाता हूं हम अपने देश की कि मैं अपने घर में पूछने नहीं जाऊंगा कि मां मैं लड़ने जाऊं कि नहीं जाऊं, ये देश आज बन चुका है। तो इस प्रकार से जो एक हो करके एक इतना मजबूत देश बना, जिस तरीके से हमारे युवा उसको देख रहे हैं, ये बदलाव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जो आज महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के परिसर में संपन्न हो रहा है, उभरता भारत एवं नई आशाएं, इस विषय पर अगर हम उभरता भारत की बात करेंगे तो हमें एक मानक तय करना पड़ेगा कि हम किन संदर्भों में भारत के उभरने की बात कर रहे हैं। जब भारत को कभी सांप का देश, बीन बजाने वालों का देश कहा जाता था, हम अगर वहाँ से तुलना करना शुरू करें तो हम किस पायदान पर पहुँचे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। आज दुनिया में शोध और वैज्ञानिक क्रांतियाँ हो रही हैं, भारत देश वहाँ कहाँ पहुँचा है। अगर हम पीछे की ओर देखें तो ये पाएंगे कि विज्ञान और तकनीक के प्रभाव ने आज भारत देश को समर्थ देशों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। उपग्रह छोड़ना या तमाम ऐसे कार्य जो अब तक माने जाते थे कि केवल ये विकसित देश संपन्न करते हैं, अगर भारत देश भी संपन्न है और करने में सक्षम हुआ है तो निश्चित तौर से
ये भारत के विकास की एक नई कहानी, नई इबारत लिखी जा रही है और इसमें देश के युवा जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी विकसित हो सके, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1932 में गठित हुआ, जिसको पूज्य दिव्यनाथ महाराज जी ने अस्तित्व में लाए और वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में शिक्षा को समाज में प्रसारित करने लगे। अगर ऐसी ही भावना, ऐसी ही शिक्षा की जो सोच है ये देश में व्याप्त हो रही है और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी, अगर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने अभी तमाम विगत घटनाओं में देखा, पुलवामा घटना हो, देश एक साथ खड़ा है, या तमाम ऐसी बातें, हम विकास की बात करें तो तमाम क्षेत्र हैं, कृषि का क्षेत्र है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, आपके विज्ञान का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, हमारे युवा हर जगह बढ़ चढ़कर प्रभाव अपना दिखा रहे हैं, दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं, तो भारत के विकास की एक नई दिशा, एक नई इबारत लिखी जा रही है। निश्चित तौर से भारत विकसित हो रहा है, ये भारत का उत्थान है और यही नई आशाएँ हैं।